हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेक्निकल जीनियर चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है विकास कुमार और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने आधार पीवीसी कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है तो दोस्तों उसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने मोबाइल से स्टेटस चेक कर सकते हो, साथ ही आप अपने लैपटॉप से भी इसका स्टेटस जो है चेक कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप ये चला रहे हो तो मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको सर्च बार पर सर्च मारना है myaadhar.uidi.gov.in। तो दोस्तों ये आपको सर्च मार लेना है। जैसे आप सर्च मारोगे सीधा आप देखिए आधार कार्ड का जो न्यू पोर्टल है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर भी क्लिक करके सीधा आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। उसके बाद दोस्तों जब आप इसको स्क्रॉल करोगे स्क्रॉल डाउन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसकी डाउनलोड आधार कार्ड, ऑर्डर आधार पीवीसी, चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस, एनरोलमेंट अपडेट, लोकेशन और बुक अपॉइंटमेंट, वेरीफाई आधार। तो मतलब दोस्तों बहुत तरीके के यहाँ बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। बट दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने ऑर्डर आधार पीवीसी किया उसका स्टेटस चेक करना है, तो थर्ड वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है इंटर SRN नंबर और कैप्चा कोड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं SRN नंबर क्या होता है, जब आपने ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड किया था तो दोस्तों आपको एक SRN नंबर मिला होगा ट्रैकिंग के लिए, तो दोस्तों उसको SRN नंबर कहते हैं। तो वो SRN नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, जो कि शुरू में S होगा बाकी नंबर होंगे, ठीक है। तो वो SRN नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, आपको मैसेज के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पे मिल गया होगा, तो वो SRN नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, SRN नंबर जो था दोस्तों वो 14 अंक का होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर यहाँ पे जो SRN नंबर डालेंगे हमारे पास 16 डिजिट का SRN नंबर है और यहाँ पे हम डाल नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं SRN नंबर जो होता है वो होता है 14 डिजिट का, यानी 14 अंकों का SRN नंबर होता है, यानी कि जो S है S को मिला के 14 डिजिट का SRN नंबर होता है, ठीक है। तो वो SRN नंबर आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों वो क्या करना है, नीचे यहाँ पे कह रहा है इंटर कैप्चा कोड, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल देना है। और अगर दोस्तों आपको कैप्चा कोड समझ में ना आए तो दोस्तों राइट साइड में देखो एक रिफ्रेश का बटन है, उस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो कैप्चा कोड को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा है, सबमिट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको SRN नंबर आपका शो हो जाएगा, साथ ही दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर डेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, मतलब जिस डेट को आपने आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया था वो डेट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके नीचे दोस्तों करंट स्टेटस आपको शो हो जाएगा, पेमेंट इन प्रोसेस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं लोगों का, और मेरे पास मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर हमने पेमेंट कर दिया है बट फिर भी वहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट इन प्रोसेस में। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पेमेंट देखो आपके यहाँ से पेमेंट हो गया, आपका पेमेंट कट गया है, बट दोस्तों अभी आधार कार्ड का जो वेबसाइट है वहाँ पे अभी आपका पेमेंट नहीं पहुँचा है, उन्होंने पेमेंट अभी आपकी रिसीव नहीं की है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे पेमेंट इन प्रोसेस का यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा रहा है। बट दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 7 to 15 days का इसके अंदर टाइम लगता है, यानी कि 7 to 15 दिन का टाइम लगेगा इसके लिए। बट दोस्तों आधार कार्ड का वेबसाइट अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है और अभी अंडर मेंटेनेंस में इसका जो है कुछ सारे वेबसाइट, कुछ सारे जो ऑप्शंस जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे मेंटेनेंस में यहाँ पे शो रहा है और बहुत स्लो इसका वेबसाइट चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 से 25 दिन भी यहाँ पे लग सकता है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है, यह आपका डन होगा। डन होते ही दोस्तों आपका जो पीवीसी कार्ड है दोस्तों आपके एड्रेस पे जो डिस्पैच हो जाएगा, यानी डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।